Hello everyone, welcome back to CMIS Digital Classrooms. Now we are going to learn about the next topic of your chapter, which is multiplication of decimal numbers. So till now we have learned how to compare the decimal number, basic introductions of decimal number, how to add and subtract the decimal number. Now we will see how to multiply the different types of decimal numbers. So first we will see here how can we multiply the decimal number, the whole decimal numbers, I mean whole numbers with the decimal numbers. Okay, so to understand that, first we will take an example and then we will learn the process, or we will learn the steps how we can do. Okay, so let's take an example. It is asking multiply 41 decimal 23 by 213. This is the whole number and this is the decimal number. So you have to multiply this by this much. Okay. So what you will do in this type of question? What you will do? Just you will multiply these two given number as like the normal multiplication of them. पहले तो पहला स्टेप वही है कि हम लोग जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उसको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह ही मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे हम लोग का है 41.23, ओके, और हम लोग का है 213, तो 213. तो यहाँ पे आप डेसिमल नहीं भी लिख के नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह मल्टीप्लाई करिए. पहले पहला रूल यही है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 3 4 12. ओके, शो हेयर इट विल 0, शो 1 3 3, 1 2 2, 1 1 1, 1 4 4, दिस विल बिकम 0 नाउ. ओके, सो 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 4 8. ओके, so this will be 9, this will be 6 plus 3 9, this will be 6 7 8, 9 10 11, 11 1 1 carry, so 5 6 7 8 8. Okay, so 4 5 6 7 and 8. So now after getting the result, the basic thing you have to understand कि यहाँ पे हम लोग का जो multiplications में था. okay, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसको. चलो हम लोग का जो रिजल्ट आया वो ये आया कि 4 1 2 3 मल्टीप्लाई 213. जब हम लोग किए तो हम लोग का जो रिजल्ट आया वो आया 878199. ओके, तो ये हम लोग का रिजल्ट आया. तो ये अगर यहाँ पे हम लोग का डेसिमल रहता है बिफोर टू डिजिट, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि कितना डिजिट से पहले डेसिमल है. तो यहाँ पे 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो रिजल्ट जो है इसमें भी हम लोग 2 डिजिट से पहले ही डेसिमल लगाएंगे. सो व्हाटएवर द रिजल्ट वी विल गेट, वी विल जस्ट पुट द डेसिमल बिफोर 2 डिजिट ऑफ द आंसर. ओके, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट से पहले था. अगर मान लेते हैं यहाँ पे डेसिमल यहाँ नहीं रहे, डेसिमल यहाँ रहा, तो हम लोग का रिजल्ट में क्या हो जाता? अगर मान लेते हैं डेसिमल यहाँ रहता तो हम लोग का जो रिजल्ट है इसमें भी डेसिमल यहाँ पे हो जाता. ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे नहीं रखे डेसिमल, हम लोग का यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है, तो हम लोग का जो रिजल्ट है उसमें कहाँ आ जाएगा डेसिमल? बिफोर 3 डिजिट, तो यहाँ पे आ जाएगा. तो वेरी सिंपली, व्हेनेवर यू वांट टू मल्टीप्लाई एनी डेसिमल नंबर बाय ए होल नंबर, देन द रिजल्ट, व्हेन व्हाटएवर द रिजल्ट विल कम एज मच एज डिजिट बिफोर द डेसिमल इज, सो दैट मींस बिफोर यू हैव टू प्लेस द डेसिमल इन द रिजल्ट आल्सो. तो रिजल्ट से भी, रिजल्ट में भी जो भी है उससे उतना ही डिजिट पहले हम लोग डेसिमल पुट कर देंगे, प्लेस कर देंगे. ये हो गया फर्स्ट केस जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एक डेसिमल नंबर और एक होल नंबर के साथ. ठीक है, नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए डेसिमल नंबर बाय 10, 100, 1000 लाइक दिस, 1 and 0 are there. That type of multiplication how we can do. So this is very easy and very important also. This type of multiplication you don't need to go and check after multiplying. Okay, just you have to do in mind and you have to write the answer. Okay. So for this also I am taking some example. For example, I am asking 2.54 multiply 10. So 2.54 multiply 10 is equal to how much?
ओके सो दिस वी नो कि व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई 254 बाय 10 द आंसर विल कम जस्ट 254 एंड 10 राइट दिस वी नो सो हियर इफ यू मल्टीप्लाई दिस आंसर विल कम 254 एंड 10 दिस इज द केस विदाउट डेसिमल एंड वी नो वी हैव लर्न नाउ बिफोर this topic that before as here before 2 digit decimal is here so in the result also the decimal will come before 2 digit so here the decimal will come to before 4 so the required number we can write this as 25.4 so this will be the required product of this two okay either this you can write or this you can write okay now suppose take one more example show 36.154 मल्टीप्लाई बाय 100 तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने होंगे वो हमें देखना है तो अगर सपोज डेसिमल नहीं रहता तो व्हाट वुड बी द रिजल्ट शो 36154 एंड 200 और 200 ये अगर डेसिमल नहीं रहता तो इसका प्रोडक्ट होता पर यहाँ पे डेसिमल है जो कि बिफोर 3 डिजिट है तो हम लोग का जो भी रिजल्ट आएगा उसका 3 डिजिट से पहले डेसिमल देना है मतलब यहाँ पे डेसिमल देना है तो इसका मतलब इसका जो रिजल्ट हो जाएगा हम लोग का इसका जो रिजल्ट हो जाएगा ये हो जाएगा 36158.4 राइट 36154 ओके सो दिस इज हाउ यू कैन do the multiplications of a decimal number with a given number okay for example few more examples we are taking so that you will be able to understand better way okay suppose 2.453 multiply thousands okay so here if you multiply this with 1000 that means that the product will come 2 if decimal was is not there then 2453 and 000 okay but decimal is there before 3 digits so you have to put decimal before 3 digits so the result will come 2453 only before after decimal if there is no any number so you can write the number like this okay so this is how without multiplying the decimal number if it is asking to multiply with 100 10 thousands or like this type of number then you can do okay so some more examples you can take some more examples let me take okay suppose 2 decimal or 4 decimal 8723 multiply by 1000 okay so in case of this what will happen the result or the product will become 48723 and 000 right so here the decimal is before 4 digits se pehle decimal hai to hame bhi yahan pe 4 digits se pehle decimal aa jayega to yahan pe aa jayega to is number ko hum likh sakte hain 48723 so this will be the required result सो दिस इज हाउ इस तरह से आप जो भी नंबर्स है उसको मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो 10,000 डॉट 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 से लेकर के वेरी सिंपली जस्ट हम लोग जानते हैं मल्टीप्लीकेशन विद 10,000 एंड उसके बाद ये जो प्रोसेस हमने लिखा सीखा कि बिफोर एज मच एज डिजिट डेसिमल इज देयर बिफोर दैट मच ऑफ डिजिट डेसिमल यू हैव टू प्लेस सो दैट यू विल डू ओके सो दैट्स ऑल अबाउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए डेसिमल नंबर बाय 110,000 लाइक दिस टाइप ऑफ नंबर Now we will see the multiplication of a decimal by another decimal number. So if here 2 decimal number is there, then how can we multiply the both the decimal number? मान लो 2 decimal numbers है, तो उसको multiply करने हैं, तो उसका नियम क्या है? तो उसके लिए भी हम लोग examples लेते हैं, मान लेते हैं एक 0.4 है, you have to multiply this by 0.6. So if you want to multiply these two number again you will follow the same process that we will multiply as like the normal multiplication only so 4 6 are we know 24 right so 24 now we will see the total decimal counts I mean here also before one digit decimal is there here also before one digit decimal is there so that means in the product
यू हैव टू प्लेस द डेसिमल बिफोर टू डिजिट, तो यहाँ पे आपको डेसिमल प्लेस करना है, उससे पहले जीरो दे दो, सो 0.2524 विल बी द आंसर। सो वेरी सिंपली अगर मान लेते हैं यहाँ पे दो डिजिट रहता और यहाँ पे एक डिजिट है, तो बिफोर टू डिजिट और बिफोर वन डिजिट, सो टोटल डिजिट काउंट इट वुड बी बिफोर टू डिजिट। तो इस तरह से हम लोग जो भी रिजल्ट होता, यहाँ पे दो डिजिट से पहले था, यहाँ पे एट डिजिट से पहले, तो इस तरह से थ्री डिजिट से पहले हो जाता अगर यहाँ पे दो डिजिट से पहले रहता। फॉर एग्जाम्पल उसके लिए भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो दो नंबर्स है, एक है 0.25 एंड यू वांट टू मल्टीप्लाई दिस बाय 0.3, सो 0.3, सो दिस मल्टीप्लीकेशन यू वांट टू डू 0.25 एंड 0.3, सो हियर ऑल्सो यू विल डू द सेम मल्टीप्लीकेशन एज लाइक नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, 25 3 are 75, दिस वी नो, बट हियर the decimal we will put, यहाँ पे before two digit decimal is there और यहाँ पे before one digit decimal is there, that means whatever the result we got in that before three digit you have to place decimal, why? Because यहाँ पे दो digit से पहले decimal देना था, यहाँ पे एक digit से पहले decimal देना था, तो total जो digit से पहले decimal देना है हम लोग का result में वो total तीन digit से पहले देना है, but यहाँ पे हम लोग का दो ही digit है, तो क्या करेंगे, तो और एक digit add करने के लिए हम लोग यहाँ पे इससे पहले zero देंगे, इससे पहले जीरो देंगे इसको तीन डिजिट बनाने के लिए, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है, तो यहाँ पे 0.075 हो जाएगा इसका टोटल, ओके। तो इस तरह से हम लोग अगर मान लेते हैं दो डेसिमल नंबर्स रहता कोई भी वो, इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और इसका जो बेसिक चीज है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये अगर 0.4 × 0.6 जैसे हम लोग ने किया, तो ये बेसिकली कैसे होता है वो मैं दिखा रहा हूँ। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/10 डेसिमल 4 को, और डेसिमल 6 को क्या लिख सकते हैं, 6/10, राइट। तो यहाँ पे हम लोग का जो रिजल्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 × 6/10 × 10, तो इसका मतलब 4 × 6 = 24 / 100, सो 24/100 को आप अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे सो यू विल फाइंड 0.24, so 0.24 will be the required answer। तो इसी तरह से आप ये प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हो, या तो जो मैंने तरीका बताया, जो रूल्स बताया, उसको भी करके कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक रूल्स है, ये इस तरह से होता है, ठीक है, और डायरेक्टली जैसे मैंने बताया वो प्रोसेस भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, उसी तरह से फॉलो होता है बाकी सब में भी। अगर हम लोग एक बड़ा नंबर मान लेते हैं, एग्जांपल्स के लिए लेते हैं 3.45, वी वांट टू मल्टीप्लाई 1.23, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई एज लाइक द नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन एंड व्हाटएवर द रिजल्ट विल कम बिफोर हाउ मेनी डिजिट यू विल पुट डेसिमल, यहाँ पे दो डिजिट से पहले है और यहाँ पे दो डिजिट से पहले है, तो टोटल चार डिजिट से पहले हमें डेसिमल देना है, ये जो दो नंबर का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। चलिए दो नंबर का प्रोडक्ट निकालते हैं, 345 और 123, तो इसका अगर प्रोडक्ट निकालोगे 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 12, 12 × 13 = 3, 1 = 9, 10, राइट, सो दिस विल बिकम 0, 5 × 10 = 0, 1 = 4 × 8 = 9, 3 × 6, ओके, सो नाउ दिस विल ऑल्सो बिकम 0, सो 1 लेफ्ट, सो 345, सो 345, सो हियर इट विल बी 5, 3, 9 + 5 = 14, 4, 1 = 8, सो 6 + 2 = 8, 8 + 4 = 12, 2, 1 = 4, सो 4 × 2 = 4, 3, 5, राइट, सो 4 × 2 = 4, 3, 5 इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस, सो दिस प्रोडक्ट इज कमिंग 4, 2, 4, 3, 5, और हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे दो डिजिट से पहले डेसिमल है और यहाँ पे भी दो डिजिट से पहले डेसिमल है, तो हम लोग ने प्रोडक्ट में क्या करना है, 2 + 2 = 4, दैट मींस 7 डिजिट से पहले डेसिमल देना है, तो यहाँ पे 4 डिजिट से पहले डेसिमल मींस यहाँ पे 4 के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, सो वेरी सिंपल, जस्ट वी विल डू द मल्टीप्लिकेशन एज लाइक नॉर्मल ओनली, बट इन केस ऑफ पुटिंग द डेसिमल यू हैव टू फाइनली यू हैव टू चेक दैट टोटल नंबर हाउ मेनी, कितना टोटल, कितना डिजिट से पहले डेसिमल है, ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड रूल्स, ओके। सो मान लो यहाँ पे आपका इसके ये डेसिमल यहाँ पे, तो कितना डिजिट से पहले हम लोग डेसिमल देते,
यहाँ पे तीन डिजिट से पहले, यहाँ पे दो डिजिट से पहले, तो हम लोग का डेसिमल यहाँ पे होता था, तो इसका आंसर हो जाता है 0.424235। मान लेते हैं यहाँ पे इसमें भी इसके पहले डेसिमल रहता, तो हम लोग का रिजल्ट क्या हो जाता, यहाँ पे और एक डिजिट हमें देना पड़ता और ये हम लोग का रिजल्ट हो जाता 0.042435। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी तीन डिजिट से पहले है और यहाँ पे भी तीन डिजिट से पहले है, टोटल हमें छह डिजिट से पहले डेसिमल दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमने टोटल छह डिजिट से पहले डेसिमल दिया है। तो इस तरह से हम जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए डेसिमल नंबर कर सकते हैं बाई अनदर डेसिमल नंबर, जो भी दो डेसिमल नंबर होगा वो दो डेसिमल नंबर का हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, let's see here an example of finding product, that means multiplication. So you have to here first multiply by ignoring the decimal. So as like normal multiplication, so you will multiply. So here the numbers are 2.95 and 3.2. So this is the two, these are the two numbers which you want to find the product of. So first we will write ignoring the decimal number. So 2.95 multiply 32. So if you multiply this, the then 5 to a 10 0 1 carry, so 9 to a 18 9 19 9 and 1 carry, 2 to a 4 5, so 590, 2 times 295, then you have to multiply by 5, so 5 3 are 15 5, and then 1 will be a carry, so 3 9 are 27, 27 plus 1 was 8 28, so 28 is 8 there, and 2 carry, and 3 to 6 to 8. So this is how after adding you will get 9440. So then before 2 digit the decimal is there, and before 1 digit, so total before 3 digit decimal we have to put. So whatever the result is, before 3 digit we have to put the decimal. Why? Because in one product before 2 digit decimal is there, and before in another digit before 1 digit decimal is there. So total before 2 digit you have to put decimal in the result. So this is the rules of multiplying the decimal numbers. So here also you can see two numbers we have to find the multiples of. 3.77 multiply 2.8. So first most important thing, we will ignore the decimal and we'll do the normal multiplications. So you can see here after doing the normal multiplications, we will get the result 10556. So here also you can see in first number before 2 digit decimal is there, and in second number before 1 digit decimal is there. So this is how total before 3 digit you have to put the decimal in the result. So whatever the result here you got, before 3 digit we have put it the decimal. So this is the rules of the multiplications. Now take an example of this. So here also we have 3.2 multiply 5. So 32, first we will do the multiplication as like normal multiplication, 32 multiply 5. So 32 multiply 5 is 160, and in case of decimal we will check. So first number we have before 1 digit decimal, and second number we have before 1 digit decimal. So that means in the result before 2 digit we have to put the decimal. So this is why we have put the decimal before 2 digit. Second number is the same before 1 digit, before 1 digit. So first after finding the product of the two numbers, we will put the decimal before 2 digit. In the last one you can see both the number have before 3 digit decimal. So total the decimal we have to put before 6 digit of the result. So here whatever we got the result, we have put the decimal before 6 digit of the number. So most important thing is to understand, in every cases we have to ignore the decimal, we have to do the normal multiplication process, and after finding the multiplication we have to check the total number of the digit before, total units of the number before which the decimal is there, including two numbers, and we will put the decimal before that much of number. So यहाँ भी आपने देखा तीनों cases में दो दो, first दो cases में दो digit से पहले decimal हुआ, second cases, third cases में जो है before 6 digit हमने decimal put किया. So this is the simple rule to find the multiplications of a decimal number. Thank you, have a good time, take care of yourself, and do the exercise 7.4 in your homework. Thank you, bye bye.